शाम गरीबा कोई मामूली शाम है? इस तरह से फानी थी जाते खुदा में जनाब जैनब कि हुसैन की शहादत से पहले तो गिरिया कर रही थी, तड़प रही थी, लेकिन अब शाम गरीबा जो एक कयामत की रात थी, खैमे जला दिए गए, मालो अजबाब को लूट लिया गया, आए सरों से चादरें भी लूट ली गई थी, फर्श भी नहीं था, खाक पर जो खाक नशीनों कहते हैं वो यही है, खाक पे औलादे अली और फातिमा, नबी की औलाद। दुनिया का दस्तूर है ना, कोई एक गुजर जाता है तो लोग मुसलमान तसल्ली देने जाते हैं, यहां 72 शहीद हो गए, तसल्ली के बजाय खैमों में आग लगा दी गई, चादरें छीन ली गई। और यही नहीं, जैनब का दिल देखिए, अली की शेर दिल बेटी जैनब थी। शाम गरीबा में जब बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, तो अब शाम गरीबा में कुछ बच्चे यहाँ बेहोश थे, कुछ वहाँ गश के आलम में थे, कुछ वहाँ थे, जहाँ बच्चों को ढूंढ रही थी, इकट्ठा कर रही थी, वहाँ कुछ लाशें भी मिल रही थी बच्चों की। ढूंढते ढूंढते एक मकाम पे पहुंची, देखा दो बच्चे बाहों में बाहें डाले, जमीन करबला पे पड़े हैं। शहजादी जैनब ने सोचा दोनों बच्चे सो गए, उठाया तो क्या देखा, बच्चों के सीनों पे टापों के निशान थे। अजब नहीं तड़प के आवाज दी हो, मेरे जरी अब्बास आओ देखो जैनब, ए भैया हुसैन, जैनब लाशें उठा रही है। उर्सा दे लीजिए, आइंदा साल हम में से कौन रहे या न रहे, दुआ यही है खुदाया गमे सैयदुश्शोहदा के कोई गम न दे। जैनब ने 8 या 9 लाशें छोटे छोटे बच्चों की शाम गरीबा में इकट्ठा की, जैनब के लिए कितना सख्त है, जिसमें जनाब मुस्लिम की बेटी हमीदा या उम्मे हमीदा या खुतबा जाकिरीन आतिका पढ़ते हैं, जो पामाल इसमे अस्पा हो गई थी, इमाम हसन की दो बेटियां उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन भी थी। इन 8 या 9 बच्चों को जनाब जैनब और जनाब उम्मे कुलसूम और दूसरी बीबियों ने टूटी तलवारों और नैजों से कब्र बनाकर सुपुर्द लहद किया। जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ मसाइब के साथ साथ कि जैनब वलियतुल्लाह किस तरह से जाते परवरदिगार में फानी थी जैनब, इसके बावजूद शाम गरीबा में भी जैनब की नमाज शब कजा नहीं हुई थी। फातिमा बिनते हुसैन कहती हैं कि हमारी फूफी जैनब रात भर ये सब जो किया इसके बाद खुदा की बारगाह में इस्तिगासा कर रही थी और हम बीवियों में से कोई भी सोया नहीं था, हम सब इस्तिगासा कर रहे थे अपनी पुपी जैनब के साथ। फिर 11 मुहर्रम को, बस आखिरी मंजिल है मसाइब की, 11 मुहर्रम को उमरे साथ जहर तक ठहरा और ठहर करके इसने अपने नजिस लाशों को दफन किया, लेकिन लाशा है शोदा को ऐसी ही जलती हुई जमीन पर बेगोरो कफन छोड़ दिया था।
फिर जोहर के बाद उमर साद के हुक्म से कुछ ऊंट लाए गए ताकि इन बीबियों को असीर करके ले जाया जाए। जब ऊंट लाए जा रहे थे, खुतबा और जाकिरीन, बुजुर्ग खुतबा और जाकिरीन पढ़ते हैं, सैयद सज्जाद अपनी फूफी जैनब से कह रहे थे, फूफी ये ऊँट आपस में एक दूसरे से बात करते हुए आ रहे हैं कि आहिस्ता चलना हमारी पुश्त पर औलादे रसूल, उनके बच्चे हमारी पुश्त पे सवार होंगे। ऊँट लाए गए, कुछ आगे बड़े चाहते थे कि बीबियों को सवार कर दें, पकड़ के हाथ बिठा दें। अली की बेटी को जलाल आ गया, हम इतरते नबी हैं, हमें नामहरम हाथ नहीं लगा सकता। जनाब जैनब घुटना टेक करके बैठ जाती हैं, एक एक बीबी को बुला रही है। कौन बीबी आगे बढ़े कि जैनब के जानू पर अपना पैर रखे, लेकिन जनाब जैनब ने कहा आओ बीबियों सवार हो जाओ, आओ उम्मे लैला सवार हो जाओ, ऐ उम्मे फरवा आओ सवार हो जाओ। उम्मे लैला आई सवार हुई, उम्मे फरवा आई सवार हुई, फिजा आई, रबाब आई, तमाम बीबियां सवार हो गई। जनाब जैनब ने तमाम बीबियों को सवार कर दिया, लेकिन अब जैनब को कौन सवार करे, अब जैनब को कौन सवार करे, कोई सवार करने वाला नहीं है। अरे हाय, ये वही जैनब है जब मदीने से चली थी। कासिम, अली अकबर, अब्बास सवार करने वाले थे जब जैनब सवार हो रही थी। सवार किया था कासिम, अली अकबर, मौला अबुल फजल अब्बास, और जब जनाब जैनब सवार होने के लिए आई थी, मामे हुसैन जो कुर्सी पे बैठे हुए थे जनाब जैनब के एहतराम में खड़े हो गए थे। लेकिन हाय, अब जैनब को कौन सवार करे। मक्तल का जुमला है, जनाब जैनब ने न कासिम को पुकारा, न अली अकबर को पुकारा, और न ही अपने भाई को पुकारा, बल्कि उस वक्त दर्द भरे लहजे में जनाब जैनब ने आवाज दी, या खिलब्बास, ए भैया अब्बास, आओ तुम्हारी बहन सवार होना चाहती है। सैयद सज्जाद हाथों में हथकड़ियां, पाओ में बेड़ियां, गले में खारदार तौक है संभाले हुए आगे बढ़े, अपनी पुपी को सवार किया। फिर उसके बाद अब ये लुटा हुआ असीरों का काफिला चला। मक्तल में दोनों मिलता है कि उमर साद ने मक्तल की जानिब से इसलिए गुजारा ताकि इनका ज़ख्म ताज़ा हो जाए और तकलीफ देने के लिए। बाज़ मक्तल की किताबों में है कि नहीं, अहले बैत ने खुद दरख्वास्त की थी ताकि जाते जाते लाशों से रिदा हो ले। जब मक्तल की जानिब से गुजारा गया, बस चंद जुमले आखिरी जुमले हैं, जब मक्तल की जानिब से गुजारा गया, अरे बीबियों ने जब लाशों को देखा कि जिनसे ताजा खून गिर रहा था, तमाम बीबियों ने अपने आप को नाकों से गिराना शुरू कर दिया। उम्मे लैला अली अकबर के जनाजे को ढूंढ रही थी, उम्मे फरवा अपने बेटे कासिम और उम्मे कुलसुम तराई की तरफ गई। सैयद सज्जाद ने भी जब देखा, अपने आप को नाके से गिराना चाहा, लेकिन पैर को बांध रखा था, पुश्त से गिर न सके। हाय, करीब था कि रूह परवाज कर जाए, जैनब की निगाह जो सैयद सज्जाद पे रहती थी, एक मर्तबा तड़प करके अपने भतीजे के करीब आई, कहती है बेटा सज्जाद, क्या तुम भी इस आलम गुर्बत में दागे मुफारकत दे
जाओगे। इमाम सज्जाद ने तड़प करके कहा, ए फूफी अम्मा, वो लाल कैसे सब्र करे जो जवान है और देख रहा है उसके बाबा का लाशा बेगोरो कफन पड़ा हुआ है। अरे इस अंदाज से सैयद सज्जाद ने कहा था कि जनाबे ज़ैनब में ताबे जब्त न रही। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने रोज़े रसूल की तरफ रुख किया और आवाज दी, वा जद्दा सल्ला अलैक मलाइकतुस समा, ए नाना आप पर आसमान के मलाइका ने नमाज पढ़ी। व सिबतुकल हुसैन मुरम्मलुन बिद्दमा, लेकिन ए नाना आपका नवासा हुसैन खाको खून में गलता पड़ा है। वह मुकत्ताउल आजा और जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। बस आखिरी जुमले जनाबे ज़ैनब ने अपने माजाए की मैयत को, इमाम हुसैन की लाश को उस गढ़े में इन जालिमों ने डाल दिया था जिसमें टूटी तलवारें और टूटे हुए असलहे डाले गए थे। जनाबे ज़ैनब ने टूटे नैज़ों टूटे असलहों को हटाया, अपने माजाए के जिस्म को उठा और उठाने के बाद खुदा की बारगाह में फरमा रही हैं, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हादल कुर्बान, ऐ मेरे माबूद हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। मक्तल में ये भी जुमला मिलता है। फिर उसके बाद जनाबे ज़ैनब ने अपने भाई की मैयत को रख दिया और फिर तलाया फिर रही थी, अपने भाई के जनाजे का तवाफ कर रही थी। किसी ने कहा, ए बीबी क्या ढूंढ रही हैं, क्या तलाश कर रही हैं? जनाबे ज़ैनब कहती है, अरे मैं ढूंढ रही हूँ कि कोई मकाम सही व सालिम मिल जाए, अपने अम्मा की वसीयत को पूरा कर लो। जनाबे ज़ैनब ने एक मर्तबा घुटनों को टेका और अपने लबों को, मक्तल का जुमला है, जिसके जाहिर को रसूल बोसा देते थे उसके बातिन को ज़ैनब ने चूमा और आवाज दी, ऐ अम्मा आपकी वसीयत को पूरा किया। سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين پروردگارا ہمارے اس عمل کو قبول فرما ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما اے میرے معبود حاضرین مجلس کی تمام آرزوؤں کو پورا فرما جو بے روزگار ہیں ان کی روزی کا غیب سے انتظام کر دے جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما اے میرے معبود شیعان حیدر کرار دنیا میں جہاں جہاں پر بھی ہیں ان کی حفاظت فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما اے میرے معبود اب تک جتنے ہمارے مرحومین اٹھ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ان کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما جو بھی ان میں سے عذاب قبر میں مبتلا ہو اے میرے معبود انہیں ان مجلسوں کے طفیل میں عذاب قبر سے نجات عطا فرما اے میرے معبود پرچم اسلام پرچم تشیع کو سر بلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما عطبات عالیات کی حفاظت فرما منتقم خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جتنے مرحومین کے یہاں پر نام دیے گئے ہیں ان کے لیے اور آپ کے جتنے مرحومین ہوں اور جن کے والدین گزر چکے ہیں ان سب کے لیے پڑھ کر ارسال کر دیجئے